भारतीय एथलेटिक्स से इस बार एक से ज्यादा मेडल की उम्मीद की जा रही है, तो बहुत ही उसको रियलिस्टिक माना जा रहा है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदिल सुमेरीवाला, फॉर्मर ओलंपियन और एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट। सर पहले तो स्वागत है आपका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि एक हम इस बार पहली बार भारतीय खेलों के इतिहास में जब हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो रियलिस्टिकली हमको लगता है कि एक मेडल से ज़्यादा हम क्लोज हैं, वी आर नॉट। और एथलेटिक फेडरेशन भी उसी तरह से इसको प्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि तीन मेडल चार मेडल हम जीतेंगे। नहीं नहीं ठीक है, लास्ट टाइम एक मेडल मिला था, हमारी उम्मीद है कि इस टाइम ज़्यादा मिले और चांसेस भी अच्छे हैं उसके, अच्छे चांसेस है। जो जैवलिन में है चांस अच्छे हैं, तीन अच्छे लड़के हैं हमारे, लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप टॉप सिक्स में तीन थे, हमारी रिले पांचवी थी, तो मेन रिले में भी अच्छा चांस है हमारा। जो अच्छा चांस है मिक्स रिले में है पहले, उसके बाद लॉन्ग जंप में है, तो ऐसे अच्छी अच्छी इवेंट है जहाँ हमारा चांस है। यदि स्टीपल चेस में रेस स्लो लगी तो भी चांस है, क्योंकि वो बहुत टैक्टिकल इवेंट है। और लास्ट टाइम जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस इतनी स्लो लगी, 820 की रेस लगी, हाँ, और हमारा बंदा स्लो और स्लो भाग लिया। यदि वो उसका खुद का टाइम 11 में अगर भागेगा तो मेडल है उसका, तो हमारे जो चांसेस है अच्छे हैं। क्लोज टू द पोडियम। सर एक बात आदिल सर, आप भी 25-30 साल से, आप तो खैर हमसे पहले से हैं, लेकिन 25-30 साल से मैं जितने कवर कर रहा हूँ, ये पहली बार है कि एथलेटिक्स को स्टार्डम के तरह से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं जैसे फॉरेन में ट्रीट करते हैं, ये कितना सेटिस्फाइंग है आपके लिए? और लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सक्सेस के पीछे भी 10-12 साल पीछे की प्लानिंग है। देखो जब हम प्रेसिडेंसी ली थी तभी से हमने प्लानिंग शुरू किया था, और ओरिजिनल प्लानिंग तो उसके भी पहले की है, हाँ। उसकी भी पहले से है, तो इसको थोड़ा पुश ज़्यादा किया कि एक इकोसिस्टम बनना चाहिए, एक एथलीट को अच्छा लगना चाहिए जब एथलीट पार्टिसिपेट करे, एथलीट को अच्छे फैसिलिटी देनी चाहिए, एथलीट को फॉरेन एक्सपोजर देना चाहिए, फिर एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए। और सिर्फ क्या सर, जैसे आप कल नंबर्स में बता रहे थे कि 10,000-6,000 पटना में दिखे, 6,000 यहाँ, वो नंबर्स आम व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। नहीं देखो, जो हमारा निजाम का प्रोग्राम है, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो 650 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मीट होती है, वहाँ से एथलेटिक्स की वहाँ से 13 बच्चे आते हैं ऑल इंडिया इंटर डिस्ट्रिक्ट में, तो 6,000 बहुत नंबर बढ़ा। नहीं वो तो मैं आ रहा हूँ उस पे, 6,000 से ज्यादा बच्चे आते हैं वहाँ, और वहाँ पे एथलेटिक फेडरेशन 3 दिन की इवेंट होती है, 5 दिन का खाना पीना रहना ट्रेन का ट्रैवल सब कुछ फ्री है, और ये निज्जा में, और ये माँ बाप के साथ आते हैं, तो 10,000 लोग को हम फीड करते हैं 5 दिन के लिए। ये लास्ट टाइम 619 डिस्ट्रिक्ट्स, 619 डिस्ट्रिक्ट्स आई थी वहाँ, और 6,000 प्लस बच्चे आए थे, तो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और आप नीरज को देखो, दूती चंद को देखो, या हिमा दास को, जिसको भी देखो, ये सब ये प्रोग्राम से आए हुए हैं।